दोस्तों, अगर आपके पास लेबर कार्ड है, श्रमिक कार्ड है या मजदूर कार्ड है, तो आपको बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। लेबर कार्ड वालों को 2021 में कौन-कौन सी बड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है, कैसे आप इन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना होगा, पूरे विस्तार के साथ हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी राज्य में रहते हो, अगर आप मजदूर हो, आप लेबर हो, आप श्रमिक हो, तो आपके पास लेबर कार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक इस कार्ड को नहीं बनवाया, तो आप कैसे इस कार्ड को बनवा सकते हैं, सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे, जिससे आप अपना कार्ड भी बनवा सकेंगे और सरकार से मिलने वाली हर योजना का लाभ भी उठा पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं लेबर कार्ड बनवाने से आपको कौन-कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन में भी आप किसी ब्राउजर को ओपन करें और यहां पर लिखकर सर्च करें UPBOCW.in। ये श्रमिक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे ही हम यहां पर क्लिक करते हैं, यहां देखिए हम श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहां पर बहुत सारे आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहां पर जब हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो कितने लोगों ने यहां पर पंजीकरण करा रखा है, कितने लोगों को लाभ मिल चुका है, यहां पर आप स्टेटस भी जान सकते हैं। दोस्तों, यहां पर लिखा है योजनाएं, यहां पर लिखा है योजना का आवेदन, आपको आवेदन कैसे करना है, इस पर क्लिक करके करना है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। समस्त योजनाएं कौन कौन सी हैं, योजना के आवेदन की स्थिति भी आप देख सकते हैं, स्टेटस भी देख सकते हैं, जो योजना के लिए आपने आवेदन किया था उसकी एक्चुअल स्थिति क्या है इस समय, योजनाओं से लाभार्थी श्रमिकों की सूची, तो जो योजनाओं से जिनको लाभ मिला है उन श्रमिकों की, लेबरों की यहां पर सूची भी दी हुई है। चलिए पहले हम जानते हैं कौन कौन सी सरकारी योजना का लाभ आपको मिलता है। तो यहां पर समस्त योजनाएं जो लिखा है, अपने को इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहां लिखा है समस्त योजनाएं, कि यहां पहली जो योजना है मातृ शिशु एवं बालिका मदद योजना। दोस्तों, ये योजना जो है, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ यहां पर दिया हुआ है, यहां इस कौन कौन से लोग इसके पात्र हो सकते हैं, उसकी पात्रता दी है। आप ये हिंदी में है, सबसे बड़ी बात, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। यहां पर आवश्यक अभिलेख, यहां पर कौन कौन से लोग पात्र हैं, आपको कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, वो यहां लिखा है, और यहां पर आपको लाभ क्या मिलेगा, वो लाभ के बारे में यहां पर पूरी डिटेल के साथ देखिए लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कौन कौन सा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, यहां लिखा है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, इस पर क्लिक करेंगे पूरी डिटेल आपको यहां पर शो हो जाएगी। मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, आवासीय विद्यालय योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना भी आपको लेबर कार्ड के अंतर्गत मिलती है। दोस्तों, यहां लिखा है कन्या विवाह अनुदान योजना, अगर आपकी कन्या विवाह योग्य है तो यहां पर आपको अनुदान भी मिलता है, अगर आपके पास लेबर कार्ड है। यहां लिखा है आवास सहायता योजना, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। बहुत से लोगों के पास आवास नहीं होता, तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आपके पास लेबर कार्ड है, मजदूर कार्ड है, तो यहां पर इसकी पात्रता दी है, कौन कौन से लोग इसके पात्र हो सकते हैं, यहां पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, तो देखिए जैसे हम यहां पर लाभ के बारे में बताएं, इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मानकों को पूर्ण करने के बाद अगर आप इसके पात्र होते हैं, तो आपको नया आवास बनाने अर्थात क्रय करने हेतु 1 लाख रुपए की धनराशि देय होगी, ठीक है। 15,000 रुपए की धनराशि पूर्व में उपलब्ध आवास की मरम्मत हेतु अनुदान के रूप में प्राप्त की जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इस योजना के क्या क्या लाभ हैं, वो आपको कैसे कैसे मिलने वाले हैं, वो सब कुछ यहां लिखा है। देखिए लिखा है शौचालय सहायता योजना, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर कौन कौन से लोग इसके पात्र हैं, जिनके पास यहां पर शौचालय की सुविधा नहीं है, ठीक है, उन्हें किसी अन्य सरकारी योजना में इस प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, अगर आपके घर शौचालय नहीं है, आपने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया, तो आपको यहां पर इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों देखिए यहां पर लिखा हुआ, लाभार्थी के पास अधिकार पंजीकरण एवं राष्ट्रीयकृत बैंक में CBS ब्रांच में अकाउंट होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, यहां पर कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो आपके पास नहीं हो, आधार कार्ड होता ही है, बैंक की पासबुक होती ही है, तो यहां पर ये पूरा दस्तावेज के बारे में लिखा है। कैसे आपको इसकी राशि मिलेगी, देखिए 12,000 रुपए यहां पर शौचालय बनाने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहां पर पूरी डिटेल लिखी है, हिंदी में है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहां लिखा है चिकित्सा सुविधा योजना, यहां लिखा है आपदा सहायता राशि योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो
आपको यहाँ पर सहायता योजना मिलती है। मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना, यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना, यानी बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर दी हुई है दोस्तों। तो आप एक एक करके इस योजना के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर देखें लिखा है इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF को डाउनलोड करें। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर पात्रता दी हुई है, कौन कौन दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, अगर आपको और भी डिटेल के साथ चाहिए इस योजना की जानकारी, तो यहाँ लिखा है इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF को डाउनलोड करें। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कैसे लाभ मिल पाएगा, कौन कौन से लोग पात्र हैं। ये देखिए लिखा है योजना का नाम क्या है, योजना के अंतर्गत पात्रता क्या है, देय लाभ की स्थिति क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या होगी। जैसे यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, कैसे आपको आवेदन करना है वो भी पूरी डिटेल लिखी हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर बैक वापस आ जाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो सारी योजनाएं दी हुई हैं, आप इस योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास लेबर कार्ड है, मजदूर कार्ड है, श्रमिक कार्ड है, कोई भी कार्ड है, तो आप इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। संपर्क आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ लिखा है संपर्क करें, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा कार्यालयों का पता, अगर आपको नहीं पता कि आप जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर कार्यालय कहाँ पड़ता है, पर कार्यालयों का पता, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आगरा, मथुरा, फैजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस। यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो है आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका एड्रेस कहाँ है, ऑफिस एड्रेस वो लिखा है। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ इंग्लिश में लिखा है। अगर आपको इंग्लिश में जानकारी नहीं है, आप हिंदी में पढ़ लेते हो, तो देखिए हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस कहाँ है, उस एड्रेस पे आप पहुँच सकते हैं। उसके अलावा जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए शिकायत भी है, आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है हेल्प टेक्स, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा है हेल्पलाइन सेवा नंबर, यहाँ पर 1800180 5412, यहाँ पर हम सदैव सहायता हेतु तत्पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं। अब जानते हैं कि अगर आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पर आवेदन करने के लिए देखिए आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखा है योजना का आवेदन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप योजना का आवेदन कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा है अपना पंजीकरण मंडल चुने, तो आप किस राज्य से हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर पंजीकरण आधार कार्ड संख्या डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर आवेदन पत्र आपके सामने खुल जाएगा कि फिर आपको किस योजना के अंतर्गत आवेदन करना है, वो यहाँ पर खुल जाएगा। तो दोस्तों ये आप जान ही गए होंगे कैसे लेबर कार्ड वालों को कितनी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, इसके लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक के लेबर कार्ड नहीं बनवाया तो हर राज्य का लेबर कार्ड बनता है, आप भी किसी भी CSC सेंटर जाके लेबर कार्ड बनवा सकते हैं या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए ऑनलाइन सच यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर आपके लिए कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर।